आज के इस वीडियो में जानेंगे हिंदू अरबी संख्या हिंदी संख्या और रोमन संख्या पूरे डिटेल्स में जानेंगे तो चलिए एक एक करके समझते हैं हिंदू अरबी संख्या सामान्यतः तो हम लोग जिन अंकों संकेतों का उपयोग करते हैं उन्हें हिंदू अरबी संख्या कहते हैं जैसे में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये सबको हम क्या बोलेंगे हिंदू अरबी संख्या ठीक है हिंदी संख्या वर्तमान में कहीं कहीं इन संकेतों का उपयोग किया जाता है इन्हें हिंदी संख्या कहते हैं जैसे में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी संख्या ठीक है रोमन संख्या वर्तमान में कहीं कहीं इन संकेतों का उपयोग किया जाता है इन्हें रोमन संख्या कहा जाता है देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आदि ठीक है अब समझिए किसी संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतनी बार जोड़ दिया जाता है जैसे में यहाँ पर टू है तो ये वन वन है तो यहाँ पर क्या करेंगे वन प्लस वन बराबर टू अब यहाँ देखिए वन 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 यानी वन प्लस वन प्लस वन बराबर थ्री एक्स एक्स यानी टेन प्लस टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी अब देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस दस प्लस दस प्लस दस बराबर में कितना हो जाएगा तीस ठीक है दूसरा पॉइंट समझिए बड़े मान वाला संकेत की दाई ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है कहने का मतलब ये है कि ये देखिए क्या है बड़ा मान है इसके दाई ओर इधर क्या है दाई है इधर बाई है तो इसके दाईं ओर छोटा अंक अगर होगा तो जोड़ देना है साथ में तो ये कितना है फाइव है पाँच है और ये कितना है वन है तो पाँच प्लस एक बराबर हो जाएगा सिक्स अब यहाँ देखिए कितना है दस दस और यहाँ वन 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 दस प्लस वन 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 बराबर हो जाएगा थर्टीन अब देखिए एक्स है एक्स बड़ा है इधर छोटा है तो एक्स यहाँ दस हो जाएगा और फाइव ये जो है पाँच हो जाएगा हो जाएगा पंद्रह अब देखिए एल का मतलब होता है पचास और एक्स का मतलब होता है दस और भी का मतलब होता है तो हो जाएगा पैंसठ ठीक है इस तरह करना है तीसरा पॉइंट समझिए यदि बड़े मान वाले संकेत की बाई ओर बड़े मान वाले यह है और इसके बाई ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो छोटे मान वाले ये सब संकेत है तो उसे क्या करना है बड़े मान वाले अंक से घटा देना है तो ये क्या है बड़ा मान है और ये छोटा मान है तो बड़ा कितना है फाइव है और इधर कितना है वन अगर इधर रहेगा बाई और तो घटा देना है ठीक है तो पाँच में से एक गया कितना बच गया चार यहाँ एल एल का मतलब होता है पचास और एक्स का मतलब होता है दस तो यहाँ हो जाएगा चालीस अब सी का मतलब होता है हंड्रेड और एक्स का मतलब होता है टेन बराबर कितना हो जाएगा नाइन्टी ठीक है चौथा पॉइंट समझिए यदि कोई छोटा मान वाला अंक बड़े मान वाले अंकों के बीच में अवस्थित हो ये दोनों क्या है बड़ा मान है और इसके बीच में क्या है छोटा मान स्थित है तो अपने बाद वाली बड़ी मान के संख्या से घटा देंगे फिर पिछली वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ये जो x है इसको आपको 10 लिख देना है और ऐसे प्लस कर देना है ठीक है और यहाँ पर कितना है दस है तो इसको भी ऐसे लिख देना है और प्लस कर देना है अब देखिए क्या करना है ये क्या है फाइव है फाइव में से देखिए ये बाई और है तो इसको क्या कर देना है घटा देना है तो यहाँ कस्ट दे करके के पाँच में से कर देंगे एक ठीक है यहाँ भी वैसे ही कर देंगे दस में से कर देंगे एक घटा देंगे ठीक है अब आ जाएगा आंसर दस के दस लिख देंगे प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा चार दस के दस लिख देंगे प्लस में कितना हो जाएगा नाइन अब देखिए यहां हो जाएगा चौदह और यहां हो जाएगा उन्नीस ठीक है पांचवा पॉइंट क्या है कोई भी संकेत की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति में ये जो ती है इस साइड से होगा ठीक है तीन बार से ज्यादा नहीं हो सकती कुछ संकेतों की पुनरावृत्ति होती ही नहीं जैसे भी एल और डी ये जो है बार बार ऐसे आप लिख नहीं सकते हैं ठीक है ठीक है और एल को भी आप ऐसे लिख नहीं सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ये गलत हो जाएगा और डी को भी आप ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं ठीक है छठा पॉइंट है भी एल और डी को कभी भी किसी बड़े मान वाले संकेतों के बाई और नहीं लगाया जा सकता अर्थात भी एल और डी को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है ठीक है याद रखेगा आई यानी फर्स्ट जो है सिर्फ भी और एक्स से घटाया जा सकता है और एक्स जो है सिर्फ एल एम और सी से घटाया जा सकता है और जो सी है सिर्फ डी और एम से घटाया जा सकता है कुछ संख्या के संकेतों को आप देख लीजिए आसानी से आप इसे याद कर लीजिए ठीक है